बुलेटिन हमेशा जारी करते हैं। आप देखिए कहाँ कहाँ घटना हुई है, बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है और इसमें सरकार जो है कहीं कोई संज्ञान नहीं लेती, कोई पूछने वाला भी नहीं है। जो पीड़ित परिवार के लोग हैं कोई जाता भी नहीं है। तो हम तो लगातार इन बातों को उठाते हैं, कई घटना स्थलों पर हम खुद स्वयं गए हैं, अधिकारियों से भी बात किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। हम तो शुरू दिन से कहते रहे कि इन लोगों से जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। लेकिन माझी का मांग कर रहे हैं कि 2005 के पहले सीएम आवास से आरक्षण दिया जाता था अपराधियों को, बेकार की बात है। कहानी क्या है, सबूत क्या है, ये सब खाली इधर का उधर इधर का। अरे तुम लोग सत्ता में बैठे हो, तुम लोग कोरोना ने आए, क्यों नहीं आप जो है बिहार में अपराधियों को पकड़ने का काम करते? अभी कहां बैठे हुए अपराधी? कई ऐसे ऐसे अपराधी हैं कि भाजपा नेता या इनके साथ बैठे हुए लोग हैं। कई बार तो हम लोगों ने फोटो भी सार्वजनिक किया है। ये बालिका गृह वाले कौन थे भाई, सृजन घोटाले वाले कौन लोग, किनके साथ बैठ के मौज मस्ती करते थे, क्या होता था, कितने अपराधी जो है सीएम हाउस में बैठे जिसका तस्वीर हमने जारी किया था। तो ये सब बेकार की बातें हैं, उनको कुछ बोलने को है क्या? खैर जो भी बात है, लेकिन जो वर्तमान जो स्थिति है भयावह हो चुकी है। बैठक है हम लोगों का, पार्टी का बैठक ही तो चलता रहे। बुलेटिन हमेशा जारी करते हैं, आप देखिए कहाँ कहाँ घटना हुई है। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है और इसमें सरकार जो है कहीं कोई संज्ञान नहीं लेती, कोई पूछने वाला भी नहीं है। जो पीड़ित परिवार के लोग हैं कोई जाता भी नहीं है। तो हम तो लगातार इन बातों को उठाते हैं, कई घटना स्थलों पर हम खुद स्वयं गए हैं, अधिकारियों से भी बात किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। हम तो शुरू दिन से कहते रहे कि इन लोगों से जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। लेकिन माझी का मांग कर रहे हैं कि 2005 के पहले सीएम आवास से आरक्षण दिया जाता था अपराधियों को, बेकार की बात है। कहानी क्या है, सबूत क्या है, ये सब खाली इधर का उधर इधर का। अरे तुम लोग सत्ता में बैठे हो, तुम लोग कोरोना ने आए, क्यों नहीं आप जो है बिहार में अपराधियों को पकड़ने का काम करते? अभी कहां बैठे हुए अपराधी? कई ऐसे ऐसे अपराधी हैं कि भाजपा नेता या इनके साथ बैठे हुए लोग हैं। कई बार तो हम लोगों ने फोटो भी सार्वजनिक किया है। ये बालिका गृह वाले कौन थे भाई, सृजन घोटाले वाले कौन लोग, किनके साथ बैठ के मौज मस्ती करते थे, क्या होता था, कितने अपराधी जो है सीएम हाउस में बैठे जिसका तस्वीर हमने जारी किया था। तो ये सब बेकार की बातें हैं, उनको कुछ बोलने को है क्या? खैर जो भी बात है, लेकिन जो वर्तमान जो स्थिति है भयावह हो चुकी है। बैठक है हम लोगों का, पार्टी का बैठक ही तो चलता रहे।